नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा इस गया गाइडेंस के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरी पहली वीडियो है 10th क्रैश कोर्स को लेकर करके, लेकिन मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करता हूँ कि इस चैनल से आप लोग जुड़े हुए रहेंगे, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग बहुत छोटे समय के लिए क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं, लेकिन फिर भी इतनी गारंटी आपको देता हूं कि पूरी तैयारी आपको परीक्षा से पहले करा दी जाएगी। ठीक है, तो यहां हम लोग करेंगे क्या, कल जैसा कि आपका क्लास हुआ था हिस्ट्री का, राकेश सर लिए थे, उसमें आपको सारे पैटर्न्स की जानकारी उन्होंने सबसे पहले दी थी कि आपकी परीक्षा जो है किस प्रकार होगी, कौन कौन पेपर उसमें सोशल साइंस में आएंगे। ठीक है ना, 5 विषयों से मिलकर के सोशल साइंस का जो है वह पेपर बनता है। ठीक है ना, वहाँ से कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कल आपको बताया है, तो उस चीज़ पर आज हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हम जो है आपको पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें पढ़ना है एक सब्जेक्ट सोशल साइंस, उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो है ये पॉलिटिकल साइंस, उसकी तैयारी जिम्मा हमारे ऊपर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके आपके लिए जो है उसमें 9 चैप्टर्स पढ़ना है आपके 10th बुक्स में, और 9 चैप्टर्स को 5 या 6 क्लास जो है हम लोग को दिया गया है कि आप इसको पूरा कंप्लीट कराएं। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो है वह लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। 5-6 चैप्टर इसमें अनिवार्य हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, 1-2 चैप्टर को कंबाइंड कर करके भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार हम लोग 5 या 6 चैप्टर अधिकतम जो है क्लास होगा इसमें, और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये थोड़ा सा देख ले। तो हम जब भी आपका क्लास लेकर के आएंगे तो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ से बच्चा प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, पहली चीज। तो उसके बाद हम लोग कैसे इस चीज को जानेंगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है, तो हम लोग जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, अर्थात PYQs देखेंगे कि यहाँ से इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न सर पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो यहाँ से आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, और उन प्रश्नों के माध्यम से ही जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है आपको अपना पढ़ने का दृष्टिकोण बदलना है। पढ़ते बहुत से बच्चे हैं, नो डाउट, और करते भी अच्छा है, लेकिन आप जो है गया गाइडेंस से अगर आप जुड़े हैं तो आपको अन्य बच्चों से ज़्यादा जो है आपका क्वालिटी जो है इम्प्रूव होना चाहिए, आप ज़्यादा अच्छा करें परीक्षा में, है ना, ये हम लोग का पूरा पूरा ध्येय है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं, यह देख लें इसके अंतर्गत कि किन किन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग पढ़ाते अगर पूरी चीज़ इस चैप्टर में, तो हम लोग पहले तो लोकतंत्र को समझ लेंगे, तो यह आपका 9th क्लास में ही पढ़ना है कि लोकतंत्र कहते किसको हैं। तो देखिए थोड़ी खांसी हो जा रही है, अभी मौसम जो है ना चेंज हो रहा है, इसके चलते असर हो रहा है। तो लोकतंत्र आप अगर पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, यह PYQ भी है। PYQ अगर मैं बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि पूर्व के वर्षों में आया हुआ जो प्रश्न है उसकी बात की जा रही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो PYQ है यह कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, है ना, और लोकतंत्र जो है यह पहले हम लोग यहाँ समझ लें कि लोकतंत्र 2 शब्द है इसमें, एक तो लोक है दूसरा तंत्र है, और यह शुरुआत जो होती है इसकी यह यूनान एक जगह है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका इंग्लिश जो वर्जन होता है वह डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी भी जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला जो यूनानी शब्द होता है वह डिमोश होता है और दूसरा जो होता है वह क्रेशिया होता है। डेमोश का मतलब जनता से लगाया जाता है और क्रेशिया का मतलब एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता जो है वह भागीदार हो, साथ हो उसमें रहे, तब वह प्रणाली जो है क्या कही जाती है, वह प्रणाली लोकतंत्र कही जाती है। अब देखिए ये प्रणाली जो है अन्य शासन पद्धतियां जो रही है, देखिए ऐसे अगर हम लोग जाएं थोड़ा विस्तार में, तो अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के फादर जो कहे जाते हैं वह 6 प्रकार की शासन पद्धतियों की बात की है उन्होंने, हालांकि यह आपको पढ़ना नहीं है, जब आप जाएंगे इंटर में वहाँ पर, जब इंटर का क्रैश कोर्स
चला था उसमें हमने इसकी बात की है। तो 6 प्रकार की शासन पद्धतियों की बात करते हैं, जिसमें आपका एक टिरनी की व्यवस्था है, एक मोनार्की की व्यवस्था है, एक एरिस्टोक्रेसी है, एक ओलिगार्की है, ठीक है ना। तो इन सबों के अलावे जो है एक आपका डेमोक्रेसी है, और अंतिम में जो है वह बेस्ट शासन व्यवस्था जो है वह पॉलिटी को मानता है, अरस्तु के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉलिटी डेमोक्रेसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी से संबंधित चीजों की जो चर्चा कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए, खासकर अगर हम बात करें एशिया और अफ्रीका के जो 50s और 60s के दशक में जो आजाद हुए देश, वहां पे भी और जो पहले भी देश रहे हैं वहां भी, वहां डेमोक्रेसी स्थापित करने के पीछे आखिर क्या कारण रहा, कुछ तो इसकी खासियत रही है, तभी तो लोग हर देश में यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रहे। तो इसके अंतर्गत यह बच्चों जो वहाँ के नागरिक होते हैं ना, उनको सबसे बड़ी चीज जो मिलती है वह फ्रीडम मिलती है अभिव्यक्ति की, बोलने की उनको आज़ादी मिलती है, वह अपने विचार रख सकते हैं, उनको अवसर की जो है वह क्षमता प्राप्त होती है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। एक नीचे जो दबा कुचला व्यक्ति भी जो है ना, वह टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच सकता है लोकतंत्र में। लेकिन दूसरे शासन पद्धति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह की बात नहीं है। अगर हम बात करें मोनार्की की, तो वहाँ पर सिर्फ जो है वह राजा का बच्चा ही जो है वह राजा बन सकता है, जो आपका उसका प्रजा है वह नहीं बन सकता है। बात करें अगर टिरनी की, तो टिरनी में तो हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वह डिक्टेटर होता है, जैसे हिटलर का जो था शासन व्यवस्था, उसमें उसकी बात मानी जाती थी, जो नहीं मानता था उसको जो है वहीं पर सेवा समाप्त उसकी हो जाती थी। तो कुछ ऐसी शासन व्यवस्थाएँ रही है, उससे इसका जो है वह बेहतर परिणाम रहा है। इस कारण से जो है लोकतंत्र जगह स्थापित करने की बात की जाती है। आगे हम लोग थोड़ा सा इसको में देखेंगे, लोकतंत्र के द्वंद के बारे में जानेंगे, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। दो ऐसे शब्द हैं कि लगेगा कि तो एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा माइनर अंतर है, और यह प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है, इस चीज को भी समझेंगे हम लोग। उसके बाद जो है सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व को समझेंगे, और पूर्व के जो प्रश्न है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, खांसी थोड़ी हो रही है। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एमसीक्यूज इस चैप्टर से, उसको मैं अलग अलग करके हमेशा आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से जो है कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, और यह 2011 से 2021 तक के प्रश्न जो है यहां पर मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और इसको कैसे हल किया जाता है वह भी मैं बताऊंगा। आप अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ठीक है, पढ़िए, लेकिन आज से जो है, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो उस चीज को आप धीरे धीरे फॉलो करना सीखिए आप, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पे वो कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद नीति के विरोधी नहीं थे, और यह प्रश्न जो है वह कब कब आया है, 2013, 2017 और 2018 में, ठीक है ना। तो यह 3 वर्षों में रिपीट हुआ है। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग है इसका पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, और डी जो है वह जेड गुडी है। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑप्शन आपको रेड कलर से दिख रहे हैं वह उसका वास्तविक आंसर है, ठीक है। और यह इसलिए मैं करके देता हूं कि ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, कि बाद में जब आप डाउनलोड करेंगे इसका पीडीएफ तो आपको यह खोजना नहीं पड़े कि इसका आंसर क्या था, ठीक है ना, वहां आपको आंसर दिख जाए। और यहां पर आपको हल कैसे करना है वह आप सीखिए। देखिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में जानते हैं, जिसको मार्टिन लूथर जूनियर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो थे एक धर्म सुधार आंदोलन कर करके चलाए थे, और यह इनका जन्म जो है वह जर्मनी में होता है, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म होता है ईसाई, जिसको भी डिवीजन होता है, उसको लेकर के यह एक आंदोलन चलाए थे, वह यह इससे संबंधित हैं।
महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को किस प्रकार जो है दक्षिण अफ्रीका में वह ट्रेन से जो है हटा दिया गया था, उनको बाहर फेंक दिया गया था, और जब उस चीज़ को वह जब अपने आप पे लेते हैं तो वहाँ पर एक आंदोलन शुरू कर देते हैं रंगभेद करके लेकर के, है ना। उसके बाद जो है टोमी ओलंपिक धावक टोबी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जो हैं वह भी अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वह अफ्रीकी रहे हैं, वह ब्लैक कलर के रहते हैं, वह अश्वेत रहते हैं, इसलिए उनको भी इस तरह की चीज़ें जो है वह झेलनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है वह संबंधित रहे हैं या झेले हैं इसके ये विरोध करते हैं। लेकिन जेड गुडी जो है वह जेड गुडी है एक आपकी एक महिला रही है आपका ब्रिटेन से, वह आप जानते हैं कि एक टीवी शो हुआ था उसके अंतर्गत जो है वह शिल्पा शेट्टी जो भारतीय एक्ट्रेस है उसको लेकर के वह विवादास्पद बयान दी थी जो है आपका रंगभेद को लेकर के, उसके कारण इसके जो यूके के राष्ट्रपति और जो रहे हैं प्रधानमंत्री जो रहे हैं प्रशासन को सामने आकर के इसके माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि हम लोग जो है वह रंगभेद का कभी भी जो है समर्थन नहीं करते हैं बल्कि उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ से जो है आपको ये चीज़ें जो है वह इससे संबंधित उसका विरोध नहीं बल्कि उस तरह की चीज़ें वो कमेंट करी थी, इसलिए वहाँ से वह हाईलाइट होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको चार जो ऑप्शन है वह चारों ऑप्शन के बारे में जो है जानकारी जुटानी है कि आखिर यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप इस प्रकार पढ़ेंगे तो एक प्रश्न के पढ़ने में आप चार प्रश्नों की जानकारी जुटाएंगे, और अभी यहाँ पर जो है आपको ये प्रश्न ठीक है याद हो गया, लेकिन हम पढ़ लिए कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वह जर्मनी के थे और उन्होंने जो है धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के संबंध में जो है वह सुधार की प्रक्रिया जो है उसके बारे में चर्चा किए हैं, है ना। तो यहाँ पर से दो तीन चीज़ें उनके बारे में भी जान ली है। तो जब इस तरह से पढ़ेंगे आप तो थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में देर लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से अपना पैटर्न बदलेंगे ना तो आपके पास जो है बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल हो जाएगा और उसको आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अब देखिए लोकतंत्र जो है यही बेस्ट है आपका, नौवां और दसवां दोनों क्लास में लगभग यही चीज़ पढ़नी है, उसके रिलेटेड ही सारी चीज़ें जो है वह लोकतंत्र के ही आसपास सारी चीजें घूमती है, पूरा जो है वह सब्जेक्ट इसी पर निर्भर है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र जो है भारत में किस तरह के है, लोकतंत्र में आपको शुरू में स्टार्टिंग क्लास शुरू करने के जस्ट बाद आपको बताया हूं कि लोकतंत्र क्या है, और यह दो प्रकार के होता है, यह एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पर संभव है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती है। तो कौन भाग लेता है जी, डेमोक्रेसी कैसे हो गई। तो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में जनता जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से उसमें भाग लेती है, क्या लेती है, जनता स्वयं न भाग लेकर के उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसको वह मत दे करके भेजता है, चाहे वह विधानसभा में हो, चाहे वह पार्लियामेंट में हो, चाहे और भी आपका लोकल लेवल पे कोई इलेक्शंस हो वहाँ, तो वह वहाँ अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन व्यवस्था में भाग लेता है, तो वह व्यवस्था जो है क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अब देखिए कि क्या भारत जैसे विशाल देश में यह संभव है कि एक जगह सबसे बैठा करके या बातचीत कर करके किसी भी तरह से जो है राय विचार किया जा सके, नहीं संभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह खासियत है कि इसमें सभी लोग जो है अपनी सहमति हाँ ना जो भी उनको निर्णय करना होता है किसी डिसीजन पे उस पे वह अपनी सहमति देते हैं और तभी वह जो है वह निर्णय किए जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है यह प्रश्न बनता है आपके परीक्षा में कि कहाँ जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो उसका आंसर जो है वह स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड में भी आप जान लें कि स्विट्जरलैंड में जैसे हम लोग यहाँ भारत में राज्य बोलते
होते हैं, 28 राज्य है ना, अभी पता है ना आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर राज्य नहीं बोला जाता है स्विट्जरलैंड में, बल्कि राज्य जैसी संस्था को वहां पर जो है कैंटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैंटोन बोला जाता है। और उस कैंटोन में से मात्र 2 कैंटोन में ही जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, ठीक है। हालांकि यहां से आपको यह नहीं पूछेगा कि कितने कैंटोन में है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि कहां है। तो स्विट्जरलैंड आप खूब आराम से, हम समझते हैं कि आप आंसर अपना दे देंगे। तो यहां हम लोग देख लिए कि प्रत्यक्ष तो हमारे यहां भारत में नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दोनों भी व्यवस्था नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा? किसने कहा? अब देखिए, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना, कोटेशन वाले, इन प्रश्नों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी तो यह सिर्फ स्टार्टिंग है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षा में जाएंगे तो इस प्रकार के कोटेशन बहुत सारे आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है ना, कि यह किसने कहा, यह किसने कहा, तो याद रखना बड़ी मुश्किल होता है। यह चीज जो है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह देखिए 14, 19 और 21, यानी कि पिछले वर्ष भी यह परीक्षा में पूछा गया था। अब यह कैसे हम लोग जाने, तो इसका कोई जो है शॉर्टकट नहीं है भाई मेरे, कि हम बता दें कि हाँ यह इस तरह का रहे प्रश्न, तो कह देना कि हाँ अरस्तु बोला है, या इस तरह का रहे तो लॉर्ड ब्राइस कहा, इस तरह का कोई जो है इसका शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इसको जब तक आप उस चीज को नहीं जानेंगे कि हाँ ये फलना व्यक्ति बोला है, तब तक आप उसको सही नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक शॉर्टकट भले यह होता है कि अमुक व्यक्ति जो है किस स्वभाव का रहा है, या किस पर बात करते रहा है, किस पर वह अपनी आइडियोलॉजी उसकी रही है आधारित, अगर उस नेचर से संबंधित कोई कोटेशन है तो उस व्यक्ति को हम चूज कर लेंगे। इस तरह से जो है ऊंचे कक्षाओं में प्रश्न हल किया जाता है। लेकिन यहां पर जो है इसका आंसर तो आपको दिख रहा है कि अब्राहम लिंकन है, लेकिन अब देखिए हम लोग चलते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वह कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वह यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। यह प्रश्न अगला बार आपसे पूछा जा सकता है ना, कि जो है यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बन सकता है। तो चारों ऑप्शन पढ़ने का यही लाभ होता है भाई मेरे, जब चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ये आपको लाभ होगा कि ये पढ़ रहे थे एक प्रश्न, लेकिन चार प्रश्न को हम जान गए। और यह बहुत कम बच्चे जो है यह काम करते हैं, मैं आपको दावे के साथ बताता हूं। अपना पॉलिसी बदलिए पढ़ने का, आपको लाभ बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन तो हम जान रहे हैं कि अब्राहम लिंकन का जो है वह आंसर है। अब अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ी हम लोग बात कर लें, तो अब्राहम लिंकन एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो जीवन में कभी सफल नहीं हुए एक्सेप्ट वन टाइम, जब राष्ट्रपति वह बने, उसके पहले जितना भी वो इलेक्शन लड़े हैं सब में वो हारे हैं। लेकिन उनकी जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो उनसे एक लेसन मिलेगा आपको कि जब तक आप अपने नहीं हारिएगा ना, जब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है। इवन इनकी पत्नी जो थी वह भी इनको धिक्कारती थी कि आप तो कुछ करवे नहीं करते हैं, जो है क्या होगा आपका। लेकिन जब लास्ट में वह व्हाइट हाउस में पत्नी को ले जाती है तो पत्नी भी खुश हो जाती है। तो ये इनकी हिस्ट्री रही है बच्चों। आगे देखिए अरस्तु इसमें ऑप्शन है। अरस्तु जो है पॉलिटिकल साइंस में अभी आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन बिना अरस्तु के पॉलिटिकल साइंस जो है नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि स्टार्ट और अंत जो होता है ना वह अरस्तु से होता है। अब आप कहेंगे सर क्या अरस्तु के पहले पॉलिटिक्स नहीं हुआ करता था? एकदम होता था। अरस्तु के बाद क्या पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? हो रही है, लेकिन उसके बिना जो है वह पॉलिटिकल साइंस न शुरू होता है और न समाप्त होता है। चूंकि पॉलिटिकल साइंस को अगर किसी ने समझाने का सही ढंग से इस्तेमाल करने का जो तरीका बताया है वह अरस्तु ने बताया है। उसके पहले भी उसके जो गुरु रहे हैं प्लेटो, और प्लेटो के जो गुरु रहे हैं सुकरात, उनकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है कि वह पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं? क्या है, क्यों? तो ये इसका जो है वह मेन कारण रहा है कि आप समझ लीजिए कि यह इतना बड़ा विद्वान था कि 158 संविधानों को जो है वह पढ़ा था। आप सोच लीजिए कि कितने यह बुद्धिमान रहा होगा कि 158 संविधान और 150 स्टेट्स की बात जो है वह अध्ययन किया था। और यह न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में बच्चों, बल्कि अन्य जो सब्जेक्ट है, जैसे आप समझ लीजिए कि सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, और बहुत सारे सब्जेक्टों में अरस्तु को पढ़ा जाता है। इतना बड़ा यह विद्वान रहा है।
तो इसके बारे में एक पूरी क्लास भी अगर ली जाएगी ना तो भी वह समाप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ कि करना कैसे है। आपको चारों जो है ऑप्शंस उसको देखना है, उसके बारे में जानकारी जुटानी है जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि दिन भर पागल होकर के एक ही चैप्टर एक ही चीज़ के बारे में खोजते रहना, वैसा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उत्सुकता आपके अंदर जो है यह होनी चाहिए कि अच्छा जी ये क्या था इसके बारे में जानने हम। उसी प्रकार लॉर्ड ब्राइस जो रहे हैं, लॉर्ड ब्राइस भी जो है वह बहुत बड़े विचारक रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, वह भी जो है एक रणनीतिकार रहे हैं, वह ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, उनके भी पॉलिटिकल साइंस में योगदान रहे हैं, वह भी आपके परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, अब कारण यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रश्न है, वह देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक तो लग रहा है, देश की एकता को कमजोर करती है। तो ये जो देखिए एक चीज और मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि जितने भी निगेटिव ऑप्शन रहते हैं परीक्षा में उसको आप सीधा उसको हटा दीजिए। एक मेथड जो होता है बच्चों एमसीक्यू डील करने का, वह बहुत अच्छा और कारगर माना जाता है, उसको कहते हैं एलिनेशन मेथड, यानी कि अलग कर करके सही आंसर तक पहुंचना। अब हमको नहीं पता है इसको आंसर, मान लीजिए कि ये जो है ये आंसर नहीं हमको दिख रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे मैथ में माना जाता है ना, मान लीजिए कि हमको यह नहीं दिख रहा है, तब हम लोग देखते हैं तो इसको तो हम लोग अलग कर सकते हैं ना जी, कि देश की एकता को कमजोर करता है क्या, सत्ता की साझेदारी जो होती है देश की एकता को कमजोर कैसे करेगा जी, ये तो निगेटिव बात कर रहा है, तो इसको तो हम हटा सकते हैं बात को, है ना। उसके बाद देखते हैं और कौन ऐसे का ये ऑप्शन है, फैसले लेने में देरी कराती है, तो यह कुछ हद तक सही लग रहा है। तो देखिए इस प्रकार जो है ना, आप जो है एक ऑप्शन जब हटा दिए तो यहां पर आपको 33% जो है चांसेस बढ़ गया, और अगर चारों में अगर आप तुक्का लगाते तो मात्र 25% आपका सही होने का चांस रहेगा। उसी प्रकार थोड़ा सा और अपने दिमाग पर जोर डालिएगा तो अब यहां पर आपको लग रहा है कि सर तीनों तो सही लग रहा है, उस तरह की स्थिति बनेगी आपकी परीक्षा हॉल में कि लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उस केस में आप क्या करेंगे, जो मोस्ट सुटेबल हो, जो सबसे ज्यादा सही लगे उस ऑप्शन को चुनना है, ये ना कि आप अपने जीत पर ले, ये भी तो सही लग ही रहा था सर तो हम लगा दिए, तो कौन गलती किए, तो वहां तुम्हारे सहने सही कहने सही से नहीं होगा, वहां जो है एग्जामिनर जो ले रहा है उसके माइंड से आपको देखना है क्वेश्चन कि मोस्ट सुटेबल जो है कौन आंसर हो सकता है, है ना। तो यहां पर जो है विभिन्न समुदायों के बीच जो है वह टकराव कम करती है, जब बहुत से लोग जब शासन में भाग लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, टकराव की जो है वह कमी होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है जी, देखें 2019 का यह प्रश्न है, नागरिकों की उदासीनता पर। अब देखिए यह निगेटिव ऑप्शन आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उदासीनता जो है वह कभी किसी चीज की सफलता नहीं हो सकती। आप सुस्त रहें, किसी चीज में इंटरेस्ट न लें तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होने के लिए आपका एनर्जेटिक होना, आपका उत्सुक होना किसी चीज को जानने के लिए, यह पहली चीज होती है कि हम उस चीज को करें। कैसे करें, हम नहीं जानते हैं तो दूसरों से पूछें कि सर यह कैसे होगा, तभी आपके रास्ते जो है वह बनेंगे, अदरवाइज जो है वह कभी आप जो है अच्छे नहीं हो सकते हैं। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यह भी ठीक नहीं है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। तो दो ऑप्शन जो है इस प्रकार यहां पर हमको लग रहा है कि जो है इसको खूब आसानी से आप भी हटा सकते थे, तो यहां पर राइट आंसर जो है वह सी है। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, लोकतंत्र जो है वह कैसे सफल हो सकता है उसकी बात कर रहा है, तो निर्धनता निर्धनता जो है वह कैसे सहायक हो सकता है, गरीबी के कारण जो है जिसके पेट में अनाज नहीं होगा ना वह लोकतंत्र गया चूल्हा भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं होता उसको। आप जान लीजिए भारतीय जैसे देश में जो है क्यों वोटिंग 100% नहीं होती है, क्योंकि एक व्यक्ति यह सोचता है कि हम जाएंगे तो 500 रुपये का ढाड़ी मेरा जो है नुकसान हो जाएगा और वह अपना चूल्हा जो है वह नहीं जोड़ पाएगा, यह सच्चाई है दोस्तों, और इस कारण से जो है वह अपना वोट नहीं देता है, उसको जबरदस्ती पकड़कर उम्मीदवार जो है भले ले जाएगा कि चलो हम 500 देंगे तुमको लेकिन वोट दो हमको, तब वो वोट दे देगा, लेकिन वह अपना नुकसान जो है वह नहीं उठाना चाहता है।
ये है गरीबी, निर्धनता जिसको दूसरी भाषा में कहा गया है, विषमता। विषमता भी जो है वह इसके एक जो है निगेटिव पॉइंट के रूप में ही समझा जाता है। जितनी जिस देश में विषमता होगी ना, विषमता कहने का मतलब जो है एक सब में समानता ना होना, ठीक है ना। ऐसे तो विषमता जो है अरस्तु की फिर हम लोग बात करेंगे तो वह कहता है दो तरह की विषमता पाई जाती है ना, एक जन्म से विषमता होती है, एक समाज जो है विषमता बना देता है जिसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो जन्म से समानता विषमता पाई जाती है उसको लोग सब एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसको पर संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। तो यह भी जो है अशिक्षा। फिर चौथा ऑप्शन जो है अशिक्षा है। अशिक्षा भी जो है वह कभी भी जो है सहायक नहीं हो सकता है। जहां अशिक्षित होगा, जिसको जानकारी ही नहीं होगी किसी चीज के बारे में, वह अपनी राय कैसे दे सकता है, है ना। जब जो भी गवर्नमेंट या जो भी कोई अगर कार्य हो रहा है आपके लिए, उस चीज की जानकारी अगर आपको नहीं होगी कि यह प्लान हमारे लिए बनाया गया है, इससे यह लाभ मिलता है गवर्नमेंट का, और आपको नहीं पता हो, तो क्या आप कभी अपने जनप्रतिनिधि से क्वेश्चन कर सकते हैं या अपने पदाधिकारी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ साहब हमारे घर में नाली नहीं बना, क्यों नहीं बना बताइए। आपको पता रहेगा तब ना कि हाँ नली बनाने का प्रोविजन हुआ था, इतना पैसा मिला था और नहीं बना हमारे। तो आदमी को जब कैसे पता चलेगा, जब आप शिक्षित रहेंगे, आप जानेंगे, आपके राइट्स आपको पता होंगे, तभी उसकी मांग आप करेंगे ना। तो यह कभी जो है इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता। विकास जो है यह इसका ऑप्शन है, क्योंकि डेवलपमेंट से सब चीज जो है धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। अब सारे जो यहाँ पर ऑप्शन ऊपर वाले दिए होते सब यहाँ पर बाधा ही था। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अशिक्षा, देखिए यहाँ अशिक्षा था, गरीबी निर्धनता उसी का जो है पर्यायवाची शब्द है ना, बेरोजगारी इसी से मिलता जुलता हुआ है, तो सब जो है इनमें से जो है क्या है वह बाधा है। आ गया ना, अगर चारों प्रश्न चारों ऑप्शन को हम लोग देखे तो उससे निश्चित वाला क्वेश्चन खूब आसानी से हम लोग बना लिए। आगे देखते हैं लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा संविधान और चौथा राजनीतिक दल। अब चारों ऑप्शन जो है आपको लगेगा कि तो सही है, तो है क्या बिना सरकार के जो है लोकतंत्र चलेगा जी, नहीं चलेगा। बिना न्यायपालिका के भी लोकतंत्र नहीं चल सकता है, संविधान तो जरूरी ही चीज है और राजनीतिक दल भी जो है वह जरूरी चीज है। अब आपके सामने मैं बता रहा हूं एकदम निश्चित रूप से आप बुरे फंसेंगे कि अफसर इसको में से कौन चुने, सब तो लग रहा है सही है। तो फिर आपको मेरी बात याद आनी चाहिए उस समय परीक्षा हॉल में कि सर बोले थे कि जब ऐसी स्थिति लगे कि चारों ऑप्शन सही है या दो ऑप्शन सही है तो कौन चुनना है, जो सबसे ज्यादा लगे कि हाँ ये हो सकता है, सोचो उस पर कि क्या हो, किसको हटा सकते हैं उसमें से। वैसी स्थिति में आप उसको में से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है उसको, ठीक है ना। तब जब आप ऐसे करेंगे ना तब आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो भैया, क्या राजनीतिक दल जिस व्यवस्था में नहीं रहेगा वह लोकतंत्र माना जाएगा, वह लोकतंत्र नहीं हो सकता है, उस व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक राजनीतिक दल ही जो है ना वह जनता और सरकार के बीच में जो है वह एक कड़ी का माध्यम होता है, कड़ी बनता है, वह एक जोड़ने का जो काम करता है वह राजनीतिक दल ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो है इसका आंसर राइट आंसर जो है वह डी है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इसी में कि लोकतंत्र में द्वंद से हम लोग क्या समझते हैं। तो द्वंद को पहले शब्द को पकड़ के आप चलेंगे, पूरे जीवन की मैं आपको बात बता रहा हूं, सीख दे रहा हूं कि शब्द अगर आपको आ गया समझ तो किसी भी तरह से वहां से प्रश्न पूछ ले, आप खूब आराम से जो है प्रश्न आप हल करने में सफल हो जाएंगे। तो लोकतंत्र में द्वंद कह रहा है तो द्वंद हमको समझ में आना चाहिए। द्वंद यानी कि 36 का आंकड़ा जो है, एक कहेगा पूरब चलो तो एक कहेगा पश्चिम चलो। द्वंद संधि भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखते हैं ना, एक जो होता है वह इधर जाता है तो एक इधर जाता है, यानी कि उसमें जो है वह एक होकर के नहीं चलेगा। अब इसमें क्या होता है कि समानता की बात की जाती है, लोकतंत्र में जो है वह समानता की बात की जाती है, सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन क्या इसमें समानता जो है इतनी आसानी से मिल पाती है, नहीं। करने के प्रयास किया जाता है लेकिन जो विभेद है समाज में वह हम लोग देखते रहे हैं कि जो है श्वेत का अश्वेत से, जाति धर्म क्षेत्र भाषा और समुदाय आदि कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करके लोगों में जो है वह विभेद रहता है,
है ना, इनसे वह जो है ऊपर उठ करके कभी सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं। आप देख लीजिए यहां पर उदाहरण एक दिखा हुआ है, केवल सिर्फ नट सेल में बात लिखी गई है, श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत के लेकर करके अमेरिका में बहुत बड़ी जो है वह आंदोलन चले हैं, है ना। उसी प्रकार जो है यहां पर लिखा हुआ है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जो है वह संघर्ष आयरलैंड में चला है, ठीक है ना। उससे संबंधित मार्टिन लूथर किंग की बात जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको धर्म सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के संबंधों की, तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व है। राज्यों के जो अंदर के जो संबंध हैं, वह एक राज्य जो है दूसरे राज्य से जो है वह संबंध कभी कभी ठीक नहीं देखने को मिलता है। वह कैसे, जैसे देखिए अभी कुछ ही समय पहले हम लोग यह देखे हैं कि उत्तर भारत, खासकर हम लोग अगर बात करें बिहार और यूपी के बच्चों के साथ, तो आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको महाराष्ट्र, असम और कई अन्य राज्यों में जो है उन बच्चों को जो है वहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है वह परीक्षा देने से रोका जाता है, वंचित किया जाता है कि नहीं, इनको यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जाए। क्यों है, तो ये बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, सारा जो है सीट कैप्चर कर लेंगे। तो ये कौन सी बात हो गई साहब, कई स्टेट में यह होता है कि वह जो है डोमिसाइल वहाँ लागू कर देते हैं, दूसरे राज्य से जो है वह अप्लीकेशन ही नहीं भर सकता है। तो ये चीजें जो है ना क्या दिखा रहा है कि द्वंद रहता है, कहीं ना कहीं उनके में कॉपरेशन की भावना नहीं होती है। ये सारी चीजें जो है वह लोकतंत्र में एक द्वंद जो है एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा जो है वह एक इस चीज को समझेंगे कि विभेद जो है वह सामाजिक विभेद की उत्पत्ति कैसे होती है उसको समझेंगे। तो देखिए यहां पर पांच शब्द लिखे हुए हैं आपके, और यह पांच शब्द को आपको समझना है कि यह पांच शब्द जो है वह क्या है। जैसे भाषा है, धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, क्षेत्र है, तो इन सब के आधार पे जो है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। कैसे उत्पत्ति होती है जी, तो देखिए जिस भाषा भाषी परिवार में किसी बच्चे का जब जन्म होता है, तो वह बच्चा ना चाहते हुए भी उस जाति से, उस भाषा से, उस धर्म से, उस संप्रदाय से, उस क्षेत्र से जुड़ जाता है, और उसमें उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं होता है कि हम ना हम बिहार में जन्म नहीं लेंगे, हम जो है जाकर के जम्मू कश्मीर में जन्म लेंगे, या जो है मोदी जी के घर में जन्म लेंगे। ऐसा किसी बच्चे का कोई राइट है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार जाकर के किसी के घर में पैदा हो, ऐसा नहीं हो सकता है, संभव ऐसा नहीं है। और इसी को अरस्तु जो है वह कहता है नेचुरल इनइक्वलिटी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। कोई बच्चा अगर विकलांग होता है पैदा, और कोई बच्चा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, तो क्या उसको बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। लेकिन जो समाज के द्वारा जो विभेद किए गए हैं, बनाए गए हैं, उसको कम किया जा सकता है। समाप्त तो मैं नहीं कहूंगा कि समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि वह कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि जो जिसके पास पावर होता है ना, वो अपना पावर छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, कम से कम उस गैप को जो है किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये जो माध्यम रहे हैं धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, आप जान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय की थोड़ा एक मिनट आपको स्टोरी बताऊंगा, ताकि आपको और क्लियरिटी हो इस चीज़ को समझने में। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो आप जान लीजिए कि उस समय की स्थिति जो थी वह बहुत ही जो है वह दर्दनाक थी। हम लोग जो है डिवाइडेशन के बेस पर जो है हम स्वतंत्र हुए थे, है ना। और जब स्वतंत्र हुए थे उसके बाद जो है कई राज्यों के द्वारा कई सारी क्षेत्रीय समस्याएं जो है उस समय पैदा हुई थी। पंजाब आदि राज्यों में जो है, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर जो है एक पोट्टी श्री रामल्लू जो थे वो 56 दिन के हड़ताल पर बैठ गए थे, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। फिर उस जो है पहली भाषा के आधार पर जो है गठित आंध्र प्रदेश को किया गया। इन कई सारी समस्याएं जो है आपका आंध्र प्रदेश में हुई, पंजाब में समस्या हुई, फिर जो है आपका हम लोग नागालैंड की समस्या पढ़े थे इंटर में, सारा जो है विस्तार से इस चीज को बताया गया है, है ना। तो हम लोग कई सारी समस्या जो है उसमें पढ़े थे। तो ये समस्याएं जो थी वह
समाज को देखने को मिला है और ये सारी समस्याएं जो है यह यहीं से शुरुआत होती है, जो विभेद है ना वहीं से सारा जो है वह उसका उत्पत्ति होती है। अब एक प्रश्न जो यहाँ आपको समझ लेना है वह सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर समझना है। तो सामाजिक विभेद जो अभी हम लोग पांच चीज़ों की बात किए थे वह सामाजिक विभेद कहलाता है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और ये चीज़ के बीच में जो विभिन्नता होती है ना उसको विभेद कहा जाता है। लेकिन जब इन विभेदों में धन, रंग, क्षेत्र आदि का जब मिश्रण घुल जाता है तब उसको जो है सामाजिक विभाजन कहा जाता है। जब जैसे इस तरह के विभाजन हम लोग देखते हैं कि कोई अगली जाति का है, कोई पिछड़ी जाति का है, इस तरह की चीज़ें जो है सुनने में मिलती है और देखने को भी मिलती है कि आ उसके घर मत जाओ जो है वह पिछड़ी जाति का है, इस तरह से चीज़ें। हालांकि अब जो है इसमें बहुत कमी आई है नो डाउट, लेकिन फिर भी अभी भी इस चीज़ें जो है मिलती है समाज में देखने के लिए। अब जैसे अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उदाहरण दे रहा था आपको कि महाराष्ट्र और असम आदि राज्यों में जो है वह बिहारी छात्रों जो के साथ जो है किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उनको परीक्षाओं में बैठने से रोका जाता है, वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वह सामाजिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग रख करके समझेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या इसके अंतर्गत है। अब देख लीजिए थोड़ा सा प्रश्न जो है 2015, 2018 और 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि सत्ता की जब साझेदारी होती है ना तो साझेदारी में जो जनता होती है वह सरकार की पॉलिसी निर्माण में वह सहभागिता उसकी होती है और उस पॉलिसी निर्माण को वह प्रभावित करने का कार्य करती है, है ना। एक चीज़ आप जान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो ऐसा नहीं है कि जो है वह रात में वह सपना आता है कि कल जो है ऐसी पॉलिसी बना देना है और वह कल आकर के संसद भवन में या विधानसभा में बैठती है, लाओ जी ऐसा करो और जो है बैठक करके उसको पास कर दिया जाता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ कैसे होता है साहब, तो इसके लिए जो हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है, आप आर्टिकल 4 यह कहता है फंडामेंटल राइट्स की नहीं डीपीएसपी की, फंडामेंटल राइट्स 3 आर्टिकल में वर्णित है और 4 आर्टिकल जो है वह डीपीएसपी जो है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में जिसको जाना जाता है, उसके अंतर्गत 3 प्रकार की जो है नीति बनाने के जो है उसमें निर्देश दिए गए हैं कि आप कैसे बनाएंगे। उसमें यह जो है दिया गया है कि आप इस प्रकार की पॉलिसी बनाएं कि जिससे जनता का अधिक से अधिक भला हो, लेकिन हाँ वह बाइंडिंग नहीं है, उसको जो है जबरदस्ती सरकार पर थोपा नहीं जा सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट को उसको मानना ही मानना है, उस अधिकार को देना ही देना है, फंडामेंटल राइट्स की तरह जो है डीपीएसपी वह बाइंडिंग नहीं है, उसमें जो किया गया है व्यवस्था वह सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। सरकार अगर सक्षम है, इच्छा रखती है कि हाँ हम अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें तो वह दे सकती है, अदरवाइज जो है वह फ्री होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत हम लोग इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। देखिए लाइन टू लाइन मैं पढ़ के आपको समझाने वाला टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं लेकिन इतना आपको बता दूंगा उस चीज में कि आप खूब आराम से जो है लिख सकते हैं, बाकी जो है आपका नोट्स जो है मिलेगा उससे आप पढ़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो बोलूंगा उससे और ज्यादा मैं जो है एक्सप्लेन करके आपको जो चीजें दूंगा उस चीज को अगर आप सुन लेंगे ना तो परीक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है। तो देखो फिर तो हम तो इसकी चर्चा कर चुके हैं ना, अभी इस पूरा चीज को पढ़ने का क्या मतलब है कि जब लोकतंत्र होता है, जब समाज के 10 20 50 धर्म जाति विशेष भर के लोग जब एक जगह बैठ के काम करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से विषमता जो है वह कम होगा, है ना। उन्हीं सब चीजों को जो है यहाँ पर आपको लिखा गया है। देखिए ऊंच नीच, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष सब मौजूद रहते हैं लोकतंत्र में, तो विषमता तो कमेगा ही ना, बस ठीक है। आगे जो हम देखते हैं और कौन प्रश्न आया हुआ है जी, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है वह परीक्षा में कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वह यह चेक करने के लिए देता है कि कौन विद्यार्थी जो है वह किस नजरिए से देखता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह जो प्रश्न का आंसर लिखा गया है वही आप लिखें, मैं यह कदापि नहीं कहूंगा, यह
हमारी सोच हो सकती है, लेकिन आपकी सोच उससे भिन्न भी हो सकती है। और इस प्रकार की सोच जो है यही जानने के लिए पूछा जाता है कि आप लोकतंत्र को किस नजरिए से देखते हैं, आप जो व्यवस्था है चाहे वह बिहार गवर्नमेंट की हो या केंद्रीय गवर्नमेंट की हो, आप किस नजरिए से उसको देखते हैं, उसमें आप फ्री होकर के आप जवाब दे सकते हैं। वैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है लोकतंत्र के संबंध में, यहाँ पर आपको जो है समानता का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, अपने जो है अवसर मिलते हैं आपको अपने डेवलपमेंट करने के लिए, अपना व्यवसाय चुनने के लिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस जाति धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसी अमुक जाति धर्म विशेष के जो कार्य निर्धारित रहे थे पूर्व में, जो वर्ण व्यवस्था हमारे के यहाँ रही थी उसके अंतर्गत कार्य निर्धारित हुआ करता था जन्म के अनुसार, है ना। तो पहले जो जाति में जो धर्म जन्म लेते थे उसी कार्यों को वह किया करते थे, लेकिन आज ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वह फ्री होकर के जो इच्छा है उसकी वह व्यवसाय अपना चुन सकता है। और यह भी उनको स्वतंत्रता है कि जन्म बिहार में हो हम जाकर के गुजरात में भी बस सकते हैं, बनारस में भी बस सकते हैं, कहीं भी ऑल इंडिया में आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। और देखिए यह शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब चीजों में वह उन्मूलन यानी कि उसको समाप्त करने का कार्य करता है। अब सत्ता की साझेदारी, मैं अभी आपको बता दिया हूँ, इस चीज़ को फिर से बताने की उसकी मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि जो है वह जनता की उसमें भागीदारी होती है, सरकार के पॉलिसी निर्माण में वह सहभागी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पहली जो चीज़ जो है वो पांच चीज़ों का जो विभेद था उसको मैं समन्वय बनाने के लिए जो है एक कार्य होता है, पहला तो ये इसमें जाएगा, एक पॉइंट ये लिखा हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वह तीन अंग होते हैं सरकार के, कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। तो ये तीनों का जो है इस प्रकार भारत में विभाजन किया गया है उनके कार्यों में कि वह चेक एंड बैलेंस की स्थिति में रहते हैं, ना आप दूसरे के कार्यों में जो है इंटरफेरेंस करें, और करें भी तो इस प्रकार से नहीं करें कि उसका जो है क्षेत्राधिकार जो है वह आप उसको हनन कर दें, है ना, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और अगर बात फिर हम लोग करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर तीन सूची की भी व्यवस्था की गई है, एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यह संविधान में वर्णित है, ठीक है। तो इन तीन सूचियों के माध्यम से क्या किया गया है, इन तीन सूचियों के माध्यम से जो तीन स्तर की जो व्यवस्था है आपका, एक तो व्यवस्था है कि केंद्र और दूसरा जो है वह राज्य की व्यवस्था है ना, लेकिन इसके अलावे जो दोनों से बच जाते हैं उस पर कोई भी अधिकार दोनों को दिया जाता है, केंद्र को भी प्राप्त होता है और राज्य के भी प्राप्त होता है। यह देख लीजिए, आप यह जान लीजिए कि जो संघ सूची का विषय है उस पर केंद्र सरकार ही केवल कानून बना सकती है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका विषय होता है, जैसे आपका वित्त हो गया, जैसे आपका रेलवे हो गया, जैसे आपका विदेश विभाग हो गया, जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जैसे आपका सुरक्षा का मुद्दा हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट आपको नजर आते हैं विषय, वो सारे विषय जो है वह संघ सूची में शामिल होते हैं। और राज्य से जुड़े हुए जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें जो है वह सब विषय निर्धारित है, वह आपसे हम नहीं समझते हैं कि पूछा जाएगा कि संघ सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये सारी चीज़ों के जिक्र हम लोग जो है 11th और 12th का जो कोर्स चला है उसमें उसकी विस्तार से हम लोग व्याख्या भी किए हैं, ठीक है। उसी प्रकार संवर्ती सूची जो होती है ना, संवर्ती सूची में जो है कुछ विषय होते हैं, जैसे आपका एजुकेशन जो है वह आज की डेट में संवर्ती सूची का विषय है। तो संवर्ती सूची में हम अभी आपको बताए थे कि उस विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून बनाती है कोई गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम लाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नियम जो है वह मान्य होगा, यह ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इस तरह से जो है वह तरीके जो है इसमें कार्य करते हैं। अब क्या, अब अगला प्रश्न है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? हाँ जी है, खूब विस्तार से हम लोग इस पर लिख सकते हैं, है ना। और यह चीजों को मैं आपको जब आपका
लोकतंत्र के क्या था, अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ना कि कौन सी बाधाएं हैं, उसमें अशिक्षा की हम लोग बात किए थे, शिक्षा संबंधी सारी बात किए हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं उसको चर्चा नहीं करूँगा। एक जो है प्रश्न आपका यह भी आया हुआ कि लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन है, इससे क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनता जो है वह कैसे भाग लेती है, हम जानते हैं कि प्रत्येक एक निश्चित अवधि के बाद जो है नागरिकों को वोटिंग राइट्स प्राप्त होते हैं, है ना। जनता जो है अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आती है उसका विरोध करती है, और अभी जस्ट इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे जो है कृषि विधेयक को लेकर करके कितनी लंबी हड़ताल चला, धरना प्रदर्शन हुआ, जो है सड़क NH तक जाम कर दिया गया, और फिर अंततोगत्वा जो है केंद्रीय सरकार को उस संबंध में जो है विधेयक वापस लेना पड़ा। तो हम लोग यह देखते हैं कि जनता जो है ना, कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर कोई पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, तो वह जनता होती है। जनता किसी को भी चाहे तो वह जो है ऊपर गद्दी पर ताज पहना दे, और नहीं तो जो है घसीट के नीचे भी ला सकती है जनता। जनता में इतनी ताकत होती है लोकतंत्र में, है ना। तो जनता जो है अपने मत के जरिए जो है वह भाग लेती है, और पॉलिसी को उसको विरोध करने का उसको अधिकार है, तो वह अपने किसी भी पॉलिसी पर अपना विरोध प्रदर्शन करती है, और उस विरोध प्रदर्शन में जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ हो जाता है तब उसमें जो है समर्थन जो है और क्या होता है वो बढ़ जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है और बढ़ जाती है। मैं आपको तो खैर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक पढ़ना होता है डेविड स्टर्न का सिस्टम अप्रोच, उसमें यह बताया गया है बच्चों कि कैसे जो है एक डिमांड जो है जनता से चलती है और उसको जो है राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट मिलता है, फिर किस प्रकार गवर्नमेंट जो है उसको पॉलिसी निर्माण करती है, यानी कि कोई परिणाम आता है, फिर उस पर फीडबैक लिया जाता है, और ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअस चलते रहती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की किस तरह से जो है कार्य करती है उसके बारे में। नेक्स्ट जो प्रश्न है बच्चों वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है, ठीक है। यह प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है आपको 2018 में, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो है सामाजिक व्यवस्था को, जो सामाजिक विभाजन है वह अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो नहीं होगी, तो वह निश्चित रूप से जो है और वह बेलगाम हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर जो होता है किसी संविधान को लागू करने का वह सरकार के हाथों में ही होता है, और वह लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती है जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे इसके पहले तीन अंग जो होते हैं आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये क्या करते हैं, ये जो है अपने फंक्शंस को इस प्रकार करते हैं कि दूसरों को वो नुकसान भी ना पहुंचाएं और अपना काम भी जो है बखूबी से करते रहें। तो ये जो है ना वह कई तरह की जो है चीज़ों को सही करने में कार्य करते हैं, और उसके अलावे जो है विभिन्न जो मांग होते रहती है समय समय पर, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, तो ये जो विभेद के संबंधित जो है आरक्षण वगैरह की जो बात की गई, जैसे क्रिमिलेयर से संबंधित या जो 27% आरक्षण की बात की गई, तो ये सब कैसे आया, या कहीं ना कहीं एक मांग होने लगी समाज के द्वारा, जनता के द्वारा, कि हम लोगों को जो है तंग किया गया है, परेशान किया गया है, हम पिछड़े हैं, हमको जो है मेन जो ये पॉलिटिक्स है या मेन कह लीजिए आप लाइट में आने का जो है हमको अवसर मिलना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए जो है ना उनको जो है प्रॉपर अवसर नहीं मिल रहा था, और इन्हीं कारणों से जो है जब इस तरह की मांग उठनी शुरू हुई तो उस संबंध में फिर जो है हम बात किए थे ना कि आपका पॉलिटिकल जो है वह पार्टी किसी चीज़ को समर्थन करती है तब उस चीज़ को जो है वह सुना जाता है और उस पर फिर जो है निर्णय बाद में आते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से चीज़ें जो है वह कार्य करती हुई आपको दिख रही है कि आया कमेटी आई, वह अपने निर्णय करी, उसको फिर जो है गवर्नमेंट पास करती है। तो ये सारी व्यवस्था जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा ही संभव हो पाती है, ठीक है। अब सामाजिक विभाजन से हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
देखें तो आने वाला जो समाज है वह लोकतंत्र के उसमें किस प्रकार कार्य करेगा उसकी बात की गई है। तो निश्चित रूप से जो है यह हम लोग जितनी चर्चा कर चुके हैं वहाँ से आप खूब आराम से इसको लिख पाने में सक्षम होंगे मैं समझता हूँ। आगे जो है एक और प्रश्न है, इसकी चर्चा भी मैं कर लिया हूँ, यह पहले ही हम लोग चर्चा किए थे कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के बारे में मैं आपको बिना इस स्लाइड पर गए हुए ही सारी चीज़ों को जिक्र किया था। एक चीज़ यहाँ पर और समझने की जरूरत है, एक स्लाइड के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको कि तीन जो है निर्धारक पॉइंट आपके बुक में ही यह दिए हुए है और जो है विषय एक जो बात आती है सबसे पहले निर्धारक की कि सेल्फ की आइडेंटिटी के लिए जो है ना वह हर वर्ग जो है हर समुदाय जो है वह कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। होता क्या है कि जब अपनी पहचान बनाने की बात आती है तो वहाँ पर फिर जो है व्यक्ति किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करना नहीं मंजूर करता है और इसको लेकर करके जो है ना जब कभी जो है वह समस्याएं भी उत्पन्न होती है और कभी कभी इसका लाभ भी मिलता है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे के यहाँ विविधता में एकता है ना, और कई भाषा भाषी कई धर्म कई तरह विचार के लोग जो है रहते हैं, लेकिन जब उनकी यूनिटी नेशनलिटी पे आती है तो वे सारे जो है वह पर्सनल और सामुदायिक जो संबंध होते हैं उसको त्याग कर करके एक राष्ट्र पे आते हैं और वहाँ वह अपनी जो रीजनल आइडेंटिटी होती है उसको वह छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन जब उस चीज़ को अगर वह बनाए रखते हैं तो फिर वहाँ से जो है वह समस्या का रूप लेना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो यह मांग होती है उन मांगों को जो है राजनीतिक दल जो है वह समर्थन प्राप्त करते हैं और इसमें देखिए लिखा होगा कि विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दल द्वारा उपस्थित करने का तरीका कैसे प्रकार होना चाहिए। इसमें आप देखिए आप उदाहरण अगर लेंगे श्रीलंका की तो यह आपकी बुक में दिया हुआ भी है कि वहाँ पर किस प्रकार जो है वह बहुल संख्यक जो सिंहली जाति है वह यह मांग करती है गवर्नमेंट से कि भाई यहाँ तमिल वाले जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाओ, उसको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ उनको ये रहने की आवश्यकता नहीं है, है ना। जब इस तरह की मांग वहाँ पर शुरू होती है तो उसके अगेंस्ट में जो है वह तमिल भाषा भाषी के जो लोग होते हैं जो वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में हैं तो वो एक संगठन बना लेते हैं जिसको लिट्टे के नाम से जाना जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जिसका फुल फॉर्म होता है। तो वो क्या करते हैं कि उसके खिलाफ जो है उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी मांग होती है ना बहुसंख्यक जो लोग होते हैं वह तो समझते हैं कि चलो हम जो मांग कर रहे हैं वो उस पर गवर्नमेंट ये राजी हो जाएगी। क्यों राजी हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो है वह वोट बैंक ज्यादा है, हमारे लोग जो है पावर में है, हमारे सरकार में जो है लोग बहुत हैं तो हमारी बात मान ली जाएगी। लेकिन यहीं पर जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं जिनके प्रतिनिधित्व कम होता है उनकी बात अगर नहीं सुनी जाती है उनको दबा दिया जाता है तो थोड़े समय के लिए आप उनको दबा सकते हैं लेकिन जैसे ही उनको अवसर मिलता है ना तो वो फिर से जो है वह पलटवार करने से चूकते नहीं है। तो ध्यान यहां पर यह रखने की होती है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी सुनी जाए और जो बहुसंख्यक हैं उनकी तो सुनी ही जाती है। तो एक कोऑर्डिनेशन बना कर करके चलने की आवश्यकता होती है और यह मांग जो है देखिए यहाँ पर सरकार की मांग के प्रति क्या सोच है, अगर वह गलत फैसले ले लेती है जिसमें जो है किसी का भला नहीं है अहित होता है तो वह जो है कभी भी वह फैसला जो है सकारात्मक नहीं होता है, उसका विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। और अभी इस तरह की चीज़ें हम लोग कई बार जो है देख भी चुके हैं, बार बार किसी चीज को उदाहरण देना ठीक नहीं होता है। आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की तरफ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए 14 और 2021 में आया है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। तो भैया अब सब चीज हम बात कर चुके हैं कि लोकतंत्र से जो है सबको आगे आने का अवसर मिलता है, जो पॉलिसी निर्धारित की जाती है लोकतंत्र में जनता के हित को देखते हुए निर्धारित की जाती है, इन्हीं सब बातों को जो है यहाँ पर विस्तार से जो है लिखा गया है और इस प्रकार जो है आप लिखेंगे परीक्षा में तो काफी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। यह प्रश्न जो है 2014 में आया हुआ है। तो लोकतंत्र में जो है वह एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन होता है और कहा जाता है कि
जो पूरी मंत्रिमंडल होती है वह लोकसभा के प्रति जो है वह जवाबदेह होती है। वहाँ पर जो है विपक्षी जो पार्टियाँ होती है ना, उससे वह क्वेश्चंस करते हैं और उस क्वेश्चंस के माध्यम से जो है एक प्रकार का सत्ता जो पार्टी सत्तासीन जो पार्टी होती है उस पर एक लगाम लगाया जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ, ये काम अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दोनों चीज़ों में जो है उनको घेरा जाता है। और यह जो है कार्य कब होता है, विपक्षी पार्टी के मजबूत रहने की स्थिति में होता है। और जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई अगर विपक्षी पार्टी नहीं होती है तो वह सत्तासीन पार्टी जो होती है वह एक प्रकार का डिक्टेटर का रूप भी धारण कर सकती है और इसका एग्जाम्पल आप जो है देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, स्पष्ट करें। बार बार जो है लोकतंत्र जो है ना वह शब्द आ रहा है, इससे लोकतंत्र के जो है चीज को आप समझें, उसके स्टैंडिंग है अंडरस्टैंडिंग जो है उस चीज को समझें। देखिए इसमें कुछ पॉइंट बना करके मैं आपको दिखाया हूं, इस प्रकार से जो है आप परीक्षा में लिखेंगे। देखिए मैं आपको बताया हूं, जैसे मेरे हाथ में यहां पर मार्कर है वह आप परीक्षा में निश्चित रूप से हाइलाइटर या स्केच पेन जरूर लेके जाएंगे कलम के साथ साथ। क्यों? क्योंकि वहां पर जब आप लिखेंगे तो इस पॉइंट को जो है आप अगर हाइलाइटर से हाइलाइट कर देंगे ना तो जो है कॉपी जांचने वाले जो टीचर्स होते हैं वह आपके प्रति ज्यादा जो है वह मार्क्स देने में वह सहायक होगा। वह समझेंगे कि हाँ बच्चा जो है वह काफी इंटेलिजेंट है, वह किसी चीज को प्रस्तुत करने में वह जानता है कि किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, है ना, पॉइंट वाइज उसको जो है लिखने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार यहाँ तो हम लोग कुछ चर्चा किए हैं, जैसे जनता की जागरूकता अगर होगी तो जो है लोकतंत्र सफल होगा, क्योंकि पॉलिसीज के बारे में जनता जब जानेगी तो अपने राइट्स प्राप्त करने के लिए प्राप्त करे कार्य करेगी, जब उसको नहीं मिलेगा तो सरकार की आलोचना करेगी और सरकार की जब आलोचना होगी तो सरकार कभी भी निरंकुश होकर के कार्य करने का कार्य नहीं करेगी, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवेश जो है अगर अच्छा होगा तो भी जो है वह माहौल ठीक रहेगा और लोकतंत्र ऐसी स्थिति में जो है वह सफल होगा। शिक्षा की समाप्ति और नागरिक गुणों का विकास करना होगा, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि शिक्षा जो है आवश्यक है, तभी किसी चीज की सफलता जो है वह निर्भर करती है। हर डेवलपमेंट के पीछे जो है वह शिक्षा का होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक गुणों का विकास भी होना जरूरी होता है। अब लोकतांत्रिक गुण में क्या होता है कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं कि हमको जो है इक्वल बना दिया जाए, जैसे ही बात आती है कि दूसरों को भी आपके समान इक्वल बनाने की बात हो रही है तो कहें हाँ फलनवा तो जो है हमारे इक्वल कैसे हो जाएगा, वो तो हमसे जूनियर है या हमारे समान नहीं है। तो फिर आप बात करते हैं कि हम इक्वल हो जाएं लेकिन दूसरों को आप इक्वल बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर बात आती है कि अपने के समय में तो खुद आदमी जज हो जाता है और दूसरे के समय में जो है फिर जो है वह कहता है कि ना ना ये ठीक नहीं है। तो यहां पर ये चीज को जो है दूर करने की जरूरत होती है। फ्रीडम सबको मिले, आपसी भाईचारा की जो है स्थिति उत्पन्न हो ताकि जो है प्रेम भाव से सारी चीजें संपन्न हो सके। ठीक है, नैतिक मूल्यों की स्थापना हो सके। देखिए भाई जीवन में अगर कुछ भी ना मिले और अगर आप नैतिक रूप से भी ठीक रहें तो आपको लगेगा कि हमने जो है ठीक से काम किया है, भले हमको कुछ ये मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना कि आत्मसंतुष्टि होती है कि हाँ हमसे जो हो सकता था वह काम किए हैं तो दुनिया लाख गाली दे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, है ना। तो ये चीजें जो है हर जगह कार्य होती है। कुछ और चीजें भी हैं इसमें आप ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा जो है निष्कर्ष की तरफ हम लोग चलते हैं, लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं, काफी समय हो चुका है। तो निष्कर्ष रूप में हम लोग यही कहेंगे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको में विभेद हमेशा रहेगा, नो डाउट, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। मैं पहले भी बताया था कि सबको समान नहीं बनाया जा सकता है लेकिन हाँ उसके डिफरेंस को जो है इतना डिफरेंस है उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, है ना, ताकि जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह सबको प्राप्त हो सके। और यह कार्य कैसे हो सकता है, जब आप शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना बातचीत कर करके एक संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता जब अपनाते हैं तभी वह चीज़ें जो है वह
हो सकती है। और इस कार्य में जो है हम सौहार्दपूर्ण स्थिति बना करके और समस्या का जब समाधान करेंगे तब वह चीज़ें सफल हो सकती है और इससे पूरी व्यवस्था को जो है वह लाभ हो सकता है। ठीक है, एक दो प्रश्न मैं इसमें आपके लिए लाया हूँ, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों की जिक्र इससे मैं कर भी दिया हूँ, लेकिन एक प्रश्न है विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है, यह आप लिख कर करके जो है हम लोग को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पर्सनली भी जो है आप लोग देख कर करके भेज सकते हैं। ठीक है, सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालें, ये दो प्रश्न मैं यहाँ से समझता हूँ जो अभी तक आए नहीं हुए हैं, वो हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जा सके। ठीक है, तो यही थे आज की क्लास, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार होगी और यह आपको काफ़ी लाभ देगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।